पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधीयन फिलोसॉफी से निकले हुए लोग, उन्होंने यहां तक, उन्होंने भाषा को और लिपि को, दोनों की अलग अलग ताकत को पहचाना था। और इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी के द्वारा विचारों से प्रधारित लोगों ने कर डाला था कि हमें धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं वो भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं, लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखने की आदत डालें। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। अगर हम हिंदी भी भूल जाते और रामचरितमानस को भी भूल जाते तो हम जैसे बिना जड़ के एक पेड़ की तरह खड़े होते कि एक भाषा के रूप में आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का महत्व बढ़ने वाला है।